चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 60 मिनट इंटरवल। 60 मिनट इंटरवल मतलब 1 आवर इंटरवल ही है, ठीक है, इसलिए मैंने आवर में ही लिख दिया है, ठीक है। डाटा इंटरवल आर 0, 3, 12, 8, 6, 3 एंड क्लियर है 0, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकेंड। अ 2 आवर स्ट्रॉम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सिस रेनफॉल। एक्सिस रेनफॉल किसका नाम बताया था मैंने? रन ऑफ का, है ना। तो रन ऑफ कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अकर्ड इन अ बेसिन फ्रॉम 10 AM, 10 बजे से हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो 10 AM, है ना, 11 AM, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप चाहो तो। कंसिडरिंग कॉन्स्टेंट बेस फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बेस फ्लो भी दिया हुआ, निकालना क्या है? द फ्लो ऑफ द रिवर एट 1 PM इज, 1 बजे क्या था फ्लो वो निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? 1 आवर के ऑर्डिनेट्स दिए हैं, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के, ठीक है। 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हैं हर एक घंटे के, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से क्या बनाना पड़ेगा? DRH, ठीक है। ओके, कैसे बनाते हैं हम? और नहीं, 1 मिनट रुको, 1 आवर का दिया हुआ है और क्या बोला है यहाँ पे देखो, 2 आवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इस 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को कन्वर्ट करना है किसमें? 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? मेथड ऑफ सुपर पोजिशन से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? 2 आवर का DRH निकालोगे, उसमें बेस फ्लो ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका? फ्लो इन द रिवर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो चलो, पहले 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे? 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे होगा कन्वर्जन? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लैग करते हैं, ठीक है। तो कितने चाहिए पहले तो देख लो, 1 आवर का है और 2 आवर के चाहिए है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, है ना, सिंपल। 2 चाहिए, 1 है, 1 हमको क्या करना पड़ेगा? लैग करवाना पड़ेगा, है ना। कितने से? लैग्ड बाय 1 आवर, ठीक है, लैग्ड बाय 1 आवर। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पे हम इसको लैग्ड बाय 1 आवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो अपना 0 ही खत्म होगा, यहां से चालू होगा 0, 0, 3, 12, 8, 6, 3, और हम कर लेते हैं यहां पे भी, ये आ गया हमारा 0, ठीक है, ये हो गया लैग। इसके बाद हम क्या करते थे? एडिशन करते थे, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा, एडिशन करके क्या मिलेगा हमको? हमें मिल जाएगा 2 आवर का DRH। क्या मिल जाएगा हमको? 2 आवर का DRH, ठीक है। क्या होगा वो? ये तो 0 होगा, नेक्स्ट 3, 15, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा अपना 3 और 0, ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करोगे आप? 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओगे, है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए क्या होता है? जो DRH है उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से, क्योंकि n की वैल्यू भी क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये आ जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 10, 7, 4.5, 1.5 और 0। अब क्या पूछा है आपको? अब मुझे पूछा है कि 1 बजे क्या है रिवर का फ्लो, ठीक है। अगर बेस फ्लो है 20, ठीक है, तो 1 बजे हम देखेंगे तो कितना आ रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ में? आ रहा है मेरा 10। तो 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या है उस टाइम पे? फ्लो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? DRH में कन्वर्ट करेंगे। तो DRH के लिए क्या करना पड़ता है? ऑर्डिनेट ऑफ DRH इज इक्वल्स टू
ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इंटू रन ऑफ, रन ऑफ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इंटू रन ऑफ कितना हो जाएगा 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, DRH है 2 आवर का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर DRH तो बन गया था ये 2 आवर का, लेकिन इसका रन ऑफ कितना था 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, हमको कितना चाहिए था 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसको यूज नहीं कर सकते आप। अब हमने एक नया DRH लिया, क्या सिर्फ इस रीडिंग का 4 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसमें रिवर का फ्लो चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए, मेन फ्लड हाइड्रोग्राफ का चाहिए है ना वैल्यू। तो ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, DRH प्लस बेस फ्लो। तो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 बजे रिवर का फ्लो कितना हो जाएगा 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, निकाल लिया हमने सिंपली है ना। एक बार और रिवाइज करके बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या था, 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ था। अब आपको बोला कि 2 घंटे की एक बारिश हुई है जिसमें 4 सेंटीमीटर रेनफॉल, एक्सिस रेनफॉल हुई है, मतलब 4 सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ है, और ये 10 बजे चालू हुई थी, और बेस फ्लो था 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप बताओ कि रिवर का फ्लो क्या होगा 1 बजे। ठीक है, तो अब 2 घंटे की बारिश के लिए 1 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ तो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इस 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को कन्वर्ट किया 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में, फिर 1 बजे की जो रीडिंग थी उसको उठा के उसका DRH कन्वर्ट किया कि 2 आवर का DRH क्या होगा 4 सेंटीमीटर के लिए, और फिर उसमें बेस फ्लो ऐड कर दिया, सिंपल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 स्ट्रॉम्स ईच 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस, 2 स्ट्रॉम है, ठीक है, 2 बारिश हुई है और दोनों में रेनफॉल कितना हुआ, मतलब वो कितना हुआ रन ऑफ, रेनफॉल एक्सिस लिखा है, ये क्या लिखा है, रेनफॉल एक्सिस मतलब क्या होता है, रन ऑफ। ठीक है, एंड 6 आवर ड्यूरेशन, दोनों का क्या था, दोनों में 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ हुआ था और दोनों का ड्यूरेशन कितना था 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, पहले 6 घंटे की हुई फिर एक और 6 घंटे की हुई। ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ ऑफ फ्लो, ठीक है, एज्यूम बेस फ्लो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है कि क्या होगा फ्लड हाइड्रोग्राफ का फ्लो, पूरा फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है। ठीक है, दोनों बारिश के कारण। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देखेंगे। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, 6-6 घंटे का गैप दिया हुआ है और 10 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम कैसे भी करके फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है 6 आवर का। ठीक है, अब ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो इसका रन ऑफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं, सिंपल। तो एक तो ये नॉर्मली हो गया कि 6 घंटे की बारिश अगर हुई होती तो ये हमको क्या मिलता, ये उसके ऑर्डिनेट्स होते, या फिर बोल सकते हो ये उसके डिस्चार्ज होते इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये एक बारिश का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि 2 बारिश हुई है 6 घंटे की और एक के बाद एक हुई है। ठीक है, तो पहली बारिश हम ये मान लेते हैं 6 घंटे की जिसमें हमको ये ऑर्डिनेट्स मिले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंड रेनफॉल लिख रहा हूं मैं, है ना, सेकेंड रेन फॉल ऑफ 6 आवर। ठीक है, तो पहला तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले 6 घंटे तो दूसरी बारिश हो रही थी ना। ठीक है, तो 6 घंटे के बाद हमारी बारिश चालू हुई, तो हमारा क्या करेंगे, हम इसको 6 घंटे से लैग कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर था रन ऑफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर था रन ऑफ तो क्या होगा, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इंटू 1 करूंगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से तो हम सारे के सारे निकाल सकते हैं ना, 2 सेंटीमीटर का भी, 3 सेंटीमीटर का भी, 4 सेंटीमीटर का भी, है ना, क्योंकि मैंने कौन सा एजम्पशन लेते हैं हम, लीनियर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा 20, 60, 150, 120, 90, 66, 50, 32, 20, 10 और 0। ठीक है,
आगे हमारे पास ये क्या आया, दोनों बारिश के कारण जो रन ऑफ हुआ होगा या जो डिस्चार्ज निकला होगा वो आ गया है। अब क्योंकि ये बारिश एक के बाद एक हुई है तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, एडिशन, एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एडिशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा इन दोनों बारिश के कारण जो फ्लड हाइड्रोग्राफ बना होगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डीआरएच मिल जाएगा एक इसमें, क्योंकि हम बेस फ्लो भी ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा हमारा। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ जो कि ये दो बारिश के कारण जनरेट हुआ है। ठीक है, चलो नहीं तो यहां पे हम पहले लिख देते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो कितना है वैसे, 10 है। ठीक है, मान लो बेस फ्लो लिख देते हैं, बेस फ्लो कितना है, 10 है। ठीक है, मतलब इतना फ्लो तो हमेशा आ ही रहा था, है ना, इतना तो हमारा बेस फ्लो आ ही रहा था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ऐसा कर लेते हैं हम, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेस फ्लो क्या होता है, बेस फ्लो तो रिवर का अपना फ्लो होता है ना, ये किसी बारिश के कारण आता है क्या, नहीं, ये किसके कारण आता है, ग्राउंड वाटर के कारण। ठीक है, तो बेस फ्लो हो गया ये हमारा। अब हम निकाल लेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ जो कि इन दोनों बारिश के कारण बना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सारे डिस्चार्ज को ऐड करते जाएंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला तो कुछ नहीं हुआ था तो 10 है ना। हमेशा फ्लड हाइड्रोग्राफ किससे स्टार्ट होता है, बेस फ्लो से। तो बेस फ्लो से स्टार्ट हुआ 10, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 30, उसके बाद कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 90। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 220। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 280। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 90 प्लस 120 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 220। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 90 प्लस 66 156 और 10 166। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 60 प्लस 66 कितना हो गया, 126। नेक्स्ट देखेंगे हम 32 प्लस 60 92। ओके, नेक्स्ट 20 प्लस 32 52 प्लस 10 62। नेक्स्ट 10 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट 10 प्लस 10 20 प्लस 10 0। क्लियर है, तो हमको मिल गया इन दोनों बारिश के कारण जो फ्लड हाइड्रोग्राफ बना है वो हमको मिल गया है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चलो अब 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ भी बता दो, है ना, 12 आवर का क्या बता दो, यूनिट हाइड्रोग्राफ भी बता दो। तो आप बता सकते हो 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि देखो मेरे पास 12 आवर के लिए क्या चाहिए, मुझे 2 6 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताओगे कि 12 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, है ना, ट्राई करोगे आप एक बार इसी क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना, मैं इसका नॉर्मल का बता देता हूं आपको, 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। ठीक है, ये पहला आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा 10, तीसरा आ जाएगा 40, नेक्स्ट आ जाएगा 210, 210 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 105, है ना। क्या करोगे आप, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना, 12 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये दोनों कॉलम को ऐड कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि R कितना होगा, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला मुझे, DRH मिला, है ना, 12 का, लेकिन दोनों का रन ऑफ कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 105, है ना, सेम। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, 66 प्लस 66 प्लस 90 हो जाएगा आपका 45 प्लस 33, ये हो जाएगा हमारा 78, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 25 प्लस 33, ये हो जाएगा हमारा 58। ठीक है, 58। नेक्स्ट देखते हैं 32 प्लस 50, 82, 82 का हो जाएगा 41। नेक्स्ट 32 प्लस 20 कितना होगा, 52, इसका हो जाएगा 26। ठीक है, 41, 26।
नेक्स्ट 15 है ना, 10 प्लस 20 15, और ये क्या आ जाएगा आपका 5 और फिर 0, तो मिल गया मुझे क्या 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, देखो पीक क्या है, 150 है पीक, यहां पे पीक कम हो गया, कितना बच गया सिर्फ 135। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन बिलो फाइंड द पीक फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव 2 आवर पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सिस होगा, ऑफ रेनफॉल, पीरियड ऑफ रेनफॉल 0.4, 0.9 एंड 1.2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ बेसिन। ठीक है, अब क्या दिया है मुझे, टाइम दिया हुआ है और 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया, और क्या बोल रहा है, 3 बारिश हुई है 2-2 घंटे की, जिसमें रन ऑफ कितना है 0.4, 0.9 और 1.2 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इसमें, कि कैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से मैं पीक बता दूंगा ये तीनों रन ऑफ के कारण। ठीक है, तो अब मेरे क्या यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के कारण जो डिस्चार्ज निकला है। ठीक है, अब अगर 0.4 सेंटीमीटर की बारिश होती तो ये डिस्चार्ज क्या हो जाता, लीनियर रिस्पॉन्स है ना, ये डिस्चार्ज को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट्स, कि अगर 0.4 सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ होता तो क्या डिस्चार्ज आएंगे, फिर मैं क्या करूंगा इसी चीज को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ 0.9 से मल्टीप्लाई करता मैं तो मुझे क्या डिस्चार्ज मिलते, और अगर 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर 1.2 का रन ऑफ होता, 1.2 सेंटीमीटर का रन ऑफ होता तो मुझे क्या डिस्चार्ज मिलता। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों लगातार हुए हैं एक के बाद एक, तो मैं क्या कर दूंगा तीनों को ऐड कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, पीक फ्लो जो मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है पीक फ्लो। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में बेस फ्लो भी दिया होता तो हम उस बेस फ्लो को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बेस फ्लो नहीं है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ड्यू टू 0.4 सेंटीमीटर रन ऑफ। ठीक है, क्या ऑर्डिनेट होते अगर मैं 0.4 सेंटीमीटर का रन ऑफ होता। ठीक है, तो पहले 0.4 सेंटीमीटर का रन ऑफ है 2 घंटे के लिए, तो मैं क्या करूंगा 0.4 इंटू 0, 0 हो गया, 0.4 इंटू 58 कितना हो गया, ये 58 इंटू 0.4 ये हो जाएगा 23.2। ठीक है, सब कुछ किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या करता रहूंगा 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाई विथ 173 कितना हो जाएगा, 173 ये हो जाएगा 69.2। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे हम, 0.4 इंटू 337 ये हो जाएगा 134.8। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा 440 ये हो जाएगा 176। नेक्स्ट में क्या करूंगा 285 ये हो जाएगा 114। नेक्स्ट में क्या करूंगा 215 ये हो जाएगा 86। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मतलब इसमें रन ऑफ था 1 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि रन ऑफ 0.4 सेंटीमीटर होगा तो हर घंटे में डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, इंटू 0.4 करता जाऊंगा निकलता जाएगा डिस्चार्ज, सिंपल है ना, इंटू 165 ये हो जाएगा 66, इंटू 90 ये हो जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा इंटू, सॉरी, ठीक है ये हो गया 36 है ना, अब इंटू करूंगा मैं 35 को तो ये हो जाएगा 14 और 0 का तो 0 ही रहेगा। क्लियर है, अब दूसरी बारिश कब हुई है जिसका रन ऑफ कितना है 0.9। ठीक है, अब दूसरी बारिश कब हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव 2 आवर
पीरियड ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो दूसरी बारिश कब चालू हुई है, जब ये बारिश खत्म हो गई है, मतलब 2 घंटे बाद। तो मैं लैग कराऊंगा 2 घंटे से, यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। यहां लिख दूंगा मैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ड्यू टू 0.9 सेंटीमीटर रन ऑफ, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको आर एफ, रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ, ठीक है, आप समझ जाना इसको, क्लियर है। ड्यू टू 0.9 सेंटीमीटर रन ऑफ, तो पहला क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 0.9 इंटू 58, है ना। नेक्स्ट ऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि 58, तो कितना आएगा, 58 इंटू 0.9, ये आ जाएगा 52.2, ठीक है। इसको मिटा के लिख देते हैं अपन अच्छे से, कितना आ जाएगा, 52.2, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, 52.2। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर से निकला हुआ है ना। तो इससे अब मैं जिसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो खेल है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ठीक है, कि इसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई करो, ये आपको उसका डिस्चार्ज बता देता है, ठीक है। तभी तो क्या है, लीनियर रिस्पॉन्स, ओके। इसका एजम्पशन एक क्या है, लीनियर रिस्पॉन्स, जो कि काम आता है हमारे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 173 इंटू 0.9, ये आ जाएगा 155.7, 155.7, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे 0.9 इंटू 337, ये आ जाएगा 303.3। नेक्स्ट क्या करोगे, 440, है ना, 440, ये आ जाएगा 396। नेक्स्ट करेंगे हम 285, ये आ जाएगा मेरा 256.5, ओके, 256.5। नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट हम करेंगे 285 हो गया, अब हम करेंगे 215, ये आ गया 193.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 165, ये आ जाएगा आपका 148.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, 90, तो 90 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, 35, नेक्स्ट हम करेंगे 35, ये आ जाएगा 31.5, नेक्स्ट आ जाएगा 0, चलो क्लियर है। अब हम देखेंगे तीसरी जो रन ऑफ आया है, तीसरी बारिश के कारण जो रन ऑफ आया वो क्या है, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे ऑर्डिनेट ड्यू टू, ऑर्डिनेट ड्यू टू, ड्यू टू 1.2 सेंटीमीटर रन ऑफ, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये बारिश कब चालू होगी, ये बारिश इसके भी 2 घंटे बाद चालू होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैग कर देंगे अब इससे भी 2 घंटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 1.2 इंटू ऑर्डिनेट कौन सा था, फर्स्ट 58, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 58 इंटू 1.2, ये आ जाएगा 69.6, राइट। अब ऐसे ही मैं 1.2 सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, चलो 1.2 इंटू 173, ये आ जाएगा 207.6। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 337 इंटू 1.2, ये आ जाएगा 404.4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 440 इंटू 1.2, ये आ जाएगा 528, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 285 इंटू 1.2, ये आ जाएगा 342, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 215, ये आ जाएगा 258, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 165 इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 198, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 19 से मल्टीप्लाई, 90 से, तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, 35 से,
तो ये आ जाएगा आपका 42, ओके, और 0 का 0। अब हमको पता चल गया कि ये तीनों बारिश के कारण ये ऑर्डिनेट्स या ये डिस्चार्ज हमको इस घंटे में मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम पीक कैसे निकालेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे क्योंकि ये सब एक ही कैचमेंट में हुआ है ना। जैसे आपके घर के पास लगातार एक के बाद एक बारिश आती जाती है, तभी तो बाढ़ आती है ना, इसी कारण तो बाढ़ आती है, क्योंकि पानी निकल नहीं पाता और पानी आ जाता है पीछे से, है ना। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, पीक फ्लो इन तीनों बारिश के कारण। तो अब आप ऐड करते जाओ, है ना, ऐड करते जाएंगे। तो पहला क्या आ गया हमारा, पहला आ गया हमारा 0, है ना, 0। या आप लिख सकते हो ये क्या है, बेसिन का फ्लड वो है, रन ऑफ है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्चार्ज, मेन डिस्चार्ज है ये ड्यू टू दीज थ्री बारिश, है ना, ये तीनों बारिश के कारण ये डिस्चार्ज आया है, ठीक है। 0 हो गया, ये आ गया 23.2, ये हो गया 69.2। अब आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, सबको। क्या किया हमने, 137.8 प्लस 52.2, ये आ गया हमारा 187, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 176 प्लस 155.7, 331.7। नेक्स्ट, अब ये तीनों को ऐड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 303.3 प्लस 114 प्लस 69.6, ये हो जाएगा 486.9। नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट आ रहा है 86 प्लस 398 प्लस 207.6, ये हो जाएगा 689.6, ठीक है। 389 बोल दिया हूँ लेकिन ऐड हमारा 396 ही किया हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, 404.1 प्लस 256.5 प्लस 66, ये आ गया हमारा 726.9, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, अब इससे बड़ा आने का चांस है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं हम, 528 प्लस 193.5 प्लस 36, आ गया 757.5। अब इससे बड़ा आने का चांस तो नहीं दिख रहा नीचे, है ना। तो यही क्या हो गया, मेरा पीक कितना आ गया, पीक आ गया मेरा 757.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सबसे बड़ा यही है ना। अब नीचे की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कर लेते हैं हम, है ना, थोड़े से ही तो बचा है। 342 प्लस 148.5 प्लस 14, ये हो गया तुम्हारा 504.5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 81 प्लस 258, ये आएगा 339। नेक्स्ट आ रहा है आपका 198 प्लस 31.5, ये आ रहा है 229.5, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 108, नेक्स्ट आएगा 42 और 0, ठीक है। तो हमारा पीक हमको मिल चुका है, क्या है, पीक है 757.5। क्लियर है चीज, है ना। ऐसे ही एक और इसका एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा बहुत उसी टाइप का है जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। डिटरमाइन और फाइंड द पीक ऑफ DRH ड्यू टू थ्री सक्सेसिव 2 आवर रेनफॉल इफ द रन ऑफ इंटेंसिटी इज 0.8 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड 1.2 सेंटीमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या निकालना है हमको, जो DRH ये तीनों रन ऑफ के कारण बनेगा, क्योंकि तीन बारिश हुई है कितने, दो दो घंटे की, ठीक है, तीन बारिश हुई है दो दो घंटे की। और ये क्या दिया आपको, रन ऑफ यूनिट पे ध्यान देना, रन ऑफ की इंटेंसिटी है ये, ठीक है, मतलब ये टोटल रन ऑफ नहीं है क्योंकि दो दो घंटे की बारिश हुई है ना। तो पहले हम देखते हैं रन ऑफ, लिखेंगे रन ऑफ ऑफ फर्स्ट 2 आवर रेनफॉल
कितना हो जाएगा ये रन ऑफ ऑफ फर्स्ट 2 आवर रेनफॉल, कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 2, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम वैसे ही रन ऑफ ऑफ सेकेंड 2 आवर रेनफॉल और सेम रन ऑफ ऑफ थर्ड 2 आवर रेनफॉल। ठीक है, ये सब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1.2 इंटू 2, 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रन ऑफ की डेप्थ निकाल ली अलग अलग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो अब हम आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्यों, कौन सा वाला एजम्पशन है ये, लीनियर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ड्यू टू कितना रन ऑफ है, ड्यू टू 1.6 सेंटीमीटर रन ऑफ, ड्यू टू 2 सेंटीमीटर रन ऑफ, ड्यू टू 2.4 सेंटीमीटर रन ऑफ। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाला तो फर्स्ट से चालू होगा, तो 0, अब ये क्या होगा 1.6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.6। ठीक है, कितना हो जाएगा 9.6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 1.6 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.2। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं। 18 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1.2 ये हो जाएगा 21.6। नेक्स्ट 10 इंटू 1.6, सॉरी 18 इंटू 1.2 नहीं, 1.6 होगा, ये होगा 28.8। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 16, उसके बाद 16 सिक्स 64, 96 है ना, तो ये हो जाएगा 9.6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16 फोर 64, तो ये हो जाएगा 6.4 और ये 0। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, अब ये क्या है, सक्सेसिव 2 आवर रेनफॉल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, 2 आवर से लैग करेगा, है ना, क्योंकि पहले 2 घंटे तो ये बारिश हो गई 1.6 सेंटीमीटर रन ऑफ की, नेक्स्ट बारिश कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर रन ऑफ की। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, नेक्स्ट 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर 12 ये हो जाएगा 24, फिर 18 36, 10 20, 6 12, 4 का 8, 0 का 0, सिंपल था। नेक्स्ट अब क्या होगा, 2.4 सेंटीमीटर रन ऑफ के कारण क्या आएंगे डिस्चार्ज, तो पहले 2 घंटे तो ये बारिश हो गई, उसके बाद 2 घंटे ये बारिश हो गई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आएगा 0, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब 2.4 इंटू 6, तो 2.4 इंटू 6 ये हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 2.4 इंटू 10 ये हो जाएगा 24, 2.4 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 28.8। नेक्स्ट देखेंगे हम फिर से 10, तो ये हो जाएगा 24, उसके बाद 6 इंटू 2.4 ये हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट हम करेंगे 4 इंटू 2.4 ये हो जाएगा 9.6, उसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है, आ गया हमारे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 7 8 यहाँ पे एक छूट गया हमसे, है ना, अब कौन सा छूट गया देख लेते हैं एक बार, 6 इंटू 2.4 ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 से नहीं किया ना हमने, तभी एक छूट गया, चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, चलो 18 इंटू 2.4 बच गया था, है ना, ये हो जाएगा 43.2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या था, 10 से ये हो जाएगा 24,
उसके बाद हमने 6 से किया था तो आया था कितना 14.4। नेक्स्ट क्या आया था हमारा 10 से हो गया, 4 से कितना आया था 4 × 2.4 आया था 9.6 और फिर 0। क्लियर है यहाँ तक? ये तीन बारिश के कारण इतना डिस्चार्ज आया है। अब हमको पीक निकालना है तो क्या करेंगे, अब तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्या आएगा 0, ये आ गया आपका DRH, DRH बनेगा ये तीनों के कारण, है ना, रन ऑफ कितना हो रहा है करके 0, 9.6, 16, ये हो जाएगा आपका 31.2, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 48.8, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, नेक्स्ट हो जाएगा 54.4, ठीक है 54.4, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 69.6, नेक्स्ट आएगा मेरा 55.2 आना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 6.4 ये आएगा 55.2, है ना 55.2, नेक्स्ट आएगा 55.2, नेक्स्ट भी आया कितना 55.2, ठीक है, नेक्स्ट कितना आ रहा है, ये आएगा 32, ये आएगा 14.4, ये आएगा 9.6 और 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, पीक कितना बन रहा है, पीक बन रहा है 69.6, ये बन रहा है पीक 69.6। तो आंसर क्या है आपका 69.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, पीक पूछा था, पीक यही है सबसे बड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, अ स्ट्रॉम हैड 3 सक्सेसिव 6 आवर इंटरवल। ठीक है, अ स्ट्रॉम हैड 3 सक्सेसिव 6 आवर इंटरवल ऑफ रेनफॉल मैग्नीट्यूड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफ रेनफॉल मैग्नीट्यूड 3, 5 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग अ फाई इंडेक्स ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ था, पहले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट रन ऑफ दे दिया था आपको, दूसरे वाले में रन ऑफ की इंटेंसिटी दी थी, अब यहां पे मैंने आपको रेनफॉल और फाई इंडेक्स दे दिया है। ठीक है, तो क्या करोगे, रन ऑफ निकाल लोगे रेनफॉल और फाई इंडेक्स से। ठीक है, बेस फ्लो दिया है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, निकालना क्या है, डिटरमाइन द रिजल्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है वो पॉज करेंगे वीडियो और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, जिनको अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है वो मेरे साथ ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे पहले कितनी बारिश हुई है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो रन ऑफ फॉर फर्स्ट आवर, फर्स्ट रेनफॉल रन ऑफ कितना हो जाएगा, फर्स्ट रेनफॉल ऑफ रन ऑफ कितना हो जाएगा, फर्स्ट रेनफॉल का रन ऑफ, फर्स्ट रेनफॉल रन ऑफ कितना हो जाएगा 3 माइनस फाई इंडेक्स कितना है 0.2 × 6। ठीक है, क्योंकि ये फाई इंडेक्स किस में दिया है, फाई इंडेक्स दिया है सेंटीमीटर पर आवर में, और बारिश कितने की है 6 घंटे की है, तो पूरे 6 घंटे इन्फिल्ट्रेशन भी तो होगा, तो अब रन ऑफ कितना बचेगा, रन ऑफ बचेगा मेरा अराउंड 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्या आ गया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड रेनफॉल रन ऑफ, सेकेंड रेनफॉल रन ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड में कितनी हुई है बारिश 5 हुई है, इन्फिल्ट्रेशन तो सेम है 0.2 × 6, ये हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड रेनफॉल रन ऑफ। ठीक है, थर्ड रेनफॉल का रन ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 − 0.2 × 6, जो कि आएगा आपका 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, अब लिख देते हैं यहाँ पे, ये आएगा 3.8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक है। और बेस फ्लो दिया हुआ है कितना है हमको 30, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 30 30 30, ठीक है। सब में ऐड कर देंगे बेस फ्लो को, क्योंकि इस बार हमको क्या निकालना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ के पी कोऑर्डिनेट्स, है ना, या फ्लड हाइड्रोग्राफ के सारे ऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, DRH निकालना था, तो बेस फ्लो का काम नहीं था, ठीक है। इसलिए सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, क्लियर है। 30 30 30 ये हो गया, क्लियर है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है तो सब काम हो जाएगा हमारा लीनियर रिस्पॉन्स से। तो ये क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर बारिश होती तो ये डिस्चार्ज दिखता है ना, अगर 1 सेंटीमीटर बारिश नहीं, सॉरी 1 सेंटीमीटर रन ऑफ होता तो ये डिस्चार्ज हमको दिखता। लेकिन रन ऑफ पहली बारिश में कितना हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 1.8 इंटू ये सारे ऑर्डिनेट्स कर करके हम इसका डिस्चार्ज निकाल देंगे। तो पहला आएगा 0, नेक्स्ट आएगा 1.8 इंटू 150, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 150, ये हो जाएगा 270 m³/s, सारा सब कुछ मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 300, ये हो जाएगा 18 3 54 540, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 450, है ना, नेक्स्ट हम करेंगे 450, ये हो जाएगा 810। नेक्स्ट हम करेंगे 600, ये हो जाएगा 1080, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 800 इंटू 1.8, ये हो जाएगा 1440, ठीक है। नेक्स्ट फिर 600 का कितना आया था, 1080, ठीक है। नेक्स्ट 450 का कितना आया था, 810। अब देखेंगे 320 का, 320 का आ रहा है मेरा 576, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 100 का कितना आएगा, 180, और 0 का 0, क्लियर है पहला। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज ड्यू टू सेकेंड रेनफॉल, है ना, या रन ऑफ, जो कि कितना है 3.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये बारिश क्या है, देखो क्या लिखा है, 3 सक्सेसिव, ठीक है, 3 सक्सेसिव। तो ये क्या होगी, 6 घंटे के बाद होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आवर में आएगा, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, लैग, क्योंकि इतने टाइम ये बारिश नहीं हुई है ना। तो इसके इसके कैसे बनेंगे ऑर्डिनेट्स, मैं क्या करूँगा, 3.8 3.8 इंटू 150, ठीक है, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर बारिश होती, रन ऑफ होता, तो 150 m³/s डिस्चार्ज निकलता पहले तीसरे घंटे का, है ना। लेकिन यहां पे कितना हुआ, 3.8 सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.8 इंटू 150, यही तो खेल है किसका, हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। ये नहीं होता तो हमको बहुत मुश्किल हो जाती है ना, 3.8 इंटू 150, ये हो गया हमारा 570, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3.8 इंटू 300, ये हो जाएगा 1140, ठीक है, ऐसे ही निकालते जाएंगे हम। नेक्स्ट आएगा क्या, 450 का आ जाएगा 1710। नेक्स्ट हम देखते हैं 600 का आ जाएगा 2280, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 800 का आ जाएगा 3040, ठीक है। नेक्स्ट 600 का गिवन है हमको कितना, 2280, और 450 का भी गिवन है, कितना है 450 का, 1710, ठीक है। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे 320 का होगा 1216, ठीक है। नेक्स्ट 100 का कितना हो जाएगा, 380, और फिर 0 का 0, क्लियर है। ये आ गया हमारा सेकेंड। अब थर्ड क्या करोगे आप, थर्ड फिर से
छह घंटे के बाद होगा तो स्टार्ट कहां पे होगा, 12th आवर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 150 इंटू 2.8, ये हो जाएगा 420, है ना, 2.8 इंटू 150, ये हो जाएगा 420, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 2.8 इंटू 300, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.8 इंटू 300, 840, है ना, जस्ट डबल 840, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे 450, 450, है ना, 450 का आ जाएगा आपका 1260, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे 600, 600 का आ जाएगा 1680, ठीक है। ओके, 300, 600, 800, ठीक है, चलो, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे 800 का, 800 का आ जाएगा 2240, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा, 600 का हमारे पास है पहले से, कितना है 600 का 1680, और 450 का कितना है 1260। अब हम डायरेक्ट इसका 320 का कर लेते हैं, तो ये आएगा 896, और 100 का हो जाएगा 280, और 0 का 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ, सिंपल, है ना, सबको ऐड कर देंगे प्लस बेस फ्लो, है ना। तो स्टार्टिंग क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग होगी आपकी ये 30, क्लियर है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 300, 300 कैसे आया, 270 प्लस 30, 300। नेक्स्ट आएगा 540 प्लस 30, ये आ जाएगा 570, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है 810 प्लस 570 प्लस 30, ये हो जाएगा 1410। नेक्स्ट देखेंगे हम 1080 प्लस 1140 प्लस 30, ये हो जाएगा 2250, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है प्लस 1710 प्लस 42, ये आ जाएगा प्लस 30, सॉरी प्लस 30 भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3600, है ना। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऊपर वाले को, सही है कि नहीं हमारा, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको सुब्रमण्यम में मिलेगा, ऐसा टाइप का, है ना, उसमें भी आंसर गलत है पीछे, ठीक है, वो अनसॉल्व है, उसमें आंसर दिया हुआ है पीछे, वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोसीजर यही है, ठीक है, करने का। चलिए नेक्स्ट ऐड करते हैं हम, नेक्स्ट हो गया आपका 1080 प्लस 2280 प्लस 840 प्लस 30, ये हो गया 4230, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 810 प्लस 3040 प्लस 1260 प्लस 30, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और वो फर्स्ट वाले कॉलम, सेकंड वाले कॉलम को ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं, ये थोड़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये और ये और ये, सिर्फ जो रेड में है उन्हीं को ऐड करेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 576 प्लस 2280 प्लस 1680 प्लस 30, 4566, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 180 प्लस 1710 प्लस 2240 प्लस 30, ये आ जाएगा 4160। नेक्स्ट देखेंगे 1216 प्लस 1680 प्लस 30, ये आ जाएगा 2926। नेक्स्ट करेंगे हम 380 प्लस 1260 प्लस 30, ये आ जाएगा 1670। नेक्स्ट करेंगे हम 896 प्लस 30, 926। नेक्स्ट करेंगे ये आ जाएगा 310, और लास्ट आएगा 30। क्लियर है, हमको सारे ऑर्डिनेट्स मिल गए हैं किसके, फ्लड हाइड्रोग्राफ के, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखेंगे,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलो, द पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ 6 आवर स्ट्रॉम इज 470 m³/s। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, द मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज 8 cm। ठीक है, डाटा लिख दे रहा हूं मैं। पी क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन डेप्थ। प्रेसिपिटेशन डेप्थ कितनी है? 8 cm। एज्यूम एन एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस। ठीक है, तो फाई इंडेक्स ले लेते हैं इसको। कितना है फाई इंडेक्स? 0.25 cm/h। ठीक है, तो टोटल इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा? टोटल इन्फिल्ट्रेशन भी लिख लेता हूं मैं। टोटल इन्फिल्ट्रेशन होगा 0.25। एक घंटे में 0.25 cm पानी जाता था, तो 6 घंटे में, क्योंकि बारिश कितनी है? 6 घंटे की है ना, तो 0.25 × 6 1.5 cm। ये क्या हुआ है मेरा? टोटल इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अ कॉन्स्टेंट बेस फ्लो। बेस फ्लो कितना है अभी? नहीं, 15 m³/s। ठीक है, एंड एस्टिमेट द पीक ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या निकालना है? पीक ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू पीक ऑफ DRH डिवाइडेड बाय रन ऑफ डेप्थ, है ना। और पीक ऑफ DRH क्या होगा? पीक ऑफ DRH होगा फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक माइनस बेस फ्लो। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले निकालेंगे पीक ऑफ DRH। ठीक है, पीक ऑफ DRH का फॉर्मूला क्या होता है? पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो। ठीक है, माइनस बेस फ्लो। तो पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना है दिया हुआ है? पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ 24 कितना दिया है? 470 माइनस ये कितना है हमारा? बेस फ्लो है हमारा 15। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 455 m³/s। अब DRH का पीक मिल गया है मुझको। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, सॉरी, पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू पीक ऑफ DRH अपॉन R। ठीक है, R क्या है? R होता है रन ऑफ की डेप्थ। अब रन ऑफ की डेप्थ कैसे निकालेंगे हम? सिंपल फॉर्मूला होता है रन ऑफ इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस इन्फिल्ट्रेशन, है ना। रन ऑफ इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस इन्फिल्ट्रेशन। प्रेसिपिटेशन कितना है? 8, और इन्फिल्ट्रेशन कितना है? 1.5। तो कितना हो गया? 6.5 cm। क्लियर है? चलो, पीक ऑफ UH आ जाएगा। कैसे आएगा? 455 / 6.5 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 70 m³/s। आंसर क्या हो गया आपका? 70 m³/s। क्लियर है?